हरियाणा के नेता विपक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर विकास कार्यों की अनदेखी के आरोप लगाए हैं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार ने सत्ता में आने के बाद 30,000 करोड़ रुपए एनहेंसमेंट के दिए हैं। इसके अलावा हुड्डा सरकार में जो जमीन के घोटाले होते हैं उन्हें बंद किया है। सरकार ने अपना एक लैंड बैंक तैयार किया है। जरूरत पड़ने पर किसानों की भूमि उनकी सहमति पर ली जाती है। इसके अलावा भूमि अधिक्रमण को लेकर मुख्य सचिव और मंत्रिमंडल स्तर पर कमेटियां भी गठित की गई हैं। हरियाणा के बीजेपी जेजेपी गठबंधन सरकार को मंगलवार को 1 साल पूरा हो गया है। इस मौके पर राज्य स्तरीय कार्यक्रम हिसार में आयोजित किया गया, जहां पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और पार्टी के कई मंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हिसार एयरपोर्ट में बनने वाले रनवे कार्य का भूमि पूजन भी किया। मीडिया के सामने सरकार की 1 साल की उपलब्धियों का ब्यौरा रखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सरकार की मंशा हिसार एयरपोर्ट को राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने की है, क्योंकि ये हरियाणा के सेंटर में पड़ता है। दिल्ली और चंडीगढ़ की यहाँ से लगभग समान दूरी है। सरकार जल्द ही साउथ ईस्टर्न बाईपास का निर्माण कार्य भी शुरू करवाएगी। इसको लेकर राजगढ़ रोड से दिल्ली रोड को मायाड गांव के समीप मिलाने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली एयरपोर्ट पर दुनिया भर से हवाई जहाज आते हैं, इसलिए वह एक बिजी एयरपोर्ट हो गया है। ऐसे में हिसार उनके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। जब हिसार में फ्लाइट आएंगी तो वह हिसार से ही चलेंगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि हिसार को सरकार हवाई जहाजों की मेंटेनेंस और ओवरहॉलिंग के लिए तैयार किया गया है। फिलहाल देश में बेंगलुरु और हैदराबाद में ही विमानों की मरम्मत और ओवरहॉलिंग का काम होता है। भ्रष्टाचार को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि उन्हें पुरानी समस्याएं विरासत में मिली हैं, जिन्हें सुधारने का काम चल रहा है। अब तक सरकार ने रेवेन्यू डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट विभाग में बड़े बदलाव किए गए हैं। 3 कृषि कानूनों पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि ये कानून किसानों के हित में बने हैं। पहले किसानों के पास सिर्फ एक खरीदार होता था, लेकिन अब उसके पास 2 खरीदार होंगे। MSP पर बेचने के लिए सरकारी खरीद होगी, ज्यादा मुनाफे के लिए प्राइवेट पार्टनर खरीद करेंगे। साथ ही सरकार ने आढ़तियों का ध्यान रखते हुए मंडियों में लगने वाली मार्केटिंग फीस घटाकर 1% कर दिया है। बड़ौदा उपचुनाव पर बोलते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि चुनाव में सभी पार्टियां अपने प्रचार और दावे करती हैं, लेकिन बीजेपी के प्रत्याशी जैसा कोई मजबूत प्रत्याशी उनके पास नहीं है। उनके प्रत्याशी योगेश्वर दत्त देश और दुनिया में एक अलग पहचान है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में प्रचार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके सांसद बेटे दीपेंद्र हुड्डा के अलावा कांग्रेस का कोई भी नेता प्रचार में नहीं आ रहा। रणदीप सिंह सुरेजवाला का नाम लिए बिना उन्होंने कहा कि पहले तो वह जींद उपचुनाव हारे, इसके बाद वह केथल से भी हारे हैं, अब बिहार में पता नहीं क्या करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने मंगलवार को हिसार में भले ही अपनी सरकार की 1 साल की उपलब्धियां गिनवाई, लेकिन उनकी बड़ी परीक्षा बड़ौदा उपचुनाव में होगी, जहां पर मुकाबला कांटे का देखने को मिल रहा है। चंडीगढ़ से OP शर्मा की यह रिपोर्ट।